अभी अभी गिरफ्तारी के खबर के बाद केजरीवाल को मिला बड़े मंत्री का साथ। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आई है, उसी के बाद से दिल्ली की राजनीति थोड़ी सी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा भी केजरीवाल को जल्द से जल्द जेल में डालने की बात कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री का एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलकर बोला है कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं फिर भी वहीं से दिल्ली की सरकार चलाएंगे और आम आदमी पार्टी को भी केजरीवाल के द्वारा ही नेतृत्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद हम सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी दुगनी हो जाएगी और हम पीछे से नहीं आगे से मुकाबला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने की जरूरत करती है तो इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, जेल का जवाब जीत से देना होगा। आइए सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है। आप में से कई लोग पूछते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। जैसा हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, अरविंद जी ने विधायकों के साथ बैठक की, काउंसलरों के साथ बैठक की और आज हम सबके सामने बात करने के लिए आए। जैसा सभी साथियों ने कहा, मेरा भी यही प्रस्ताव है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहें, चाहे देश के किसी कोने में रहें, दिल्ली की सरकार भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालती है तो हमारी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी डबल हो जाती है, जेल के अंदर तानाशाही हुकूमत के दमन का मुकाबला भी करना है और जेल के अंदर से दिल्ली के और देश की पार्टी को भी चलाना है। उसी तरह से हम सारे लोगों की भी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। साथियों, पीछे से किसी चीज का मुकाबला नहीं होता है, आगे से मुकाबला होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की जरूरत करती है तो हमें इसका जवाब देना है, जेल का जवाब जीत से देना है। तो सुना आपने किस तरह गोपाल राय ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।